हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन आवर यूट्यूब चैनल लर्निंग रेडियोलॉजी। स्टार्ट अवर टुडे टॉपिक। तो आज शुरू करते हैं अपने एक नए वीडियो के साथ। फिर से हम आए हैं, तो चैनल को हमारे फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर दिन नए वीडियोज लाते रहते हैं हम आपके लिए। और सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन बजा देंगे उनका, तो क्या है कि अपडेटेड मिलते रहेंगे आप पे। ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, यहाँ भी हम वीडियोज वगैरह पोस्ट करते हैं, तो यहाँ भी हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी आप हमें फॉलो करिए इंस्टाग्राम पे भी। चलिए शुरू करते हैं, आज हम नए टॉपिक के साथ हैं। आज का टॉपिक है हमारा पोस्टर कैसे बनाएं। दो दिन पहले हमने एक वीडियो डाला था जिसमें हमने बताया था पोस्टर जो हमारे पावर पॉइंट पर उसे कैसे बनाते हैं, पावर पॉइंट पर पोस्टर कैसे बनाते हैं। आज हम पोस्टर बनाने के लिए नया सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, तो हम देखेंगे पोस्टर कैसे बनाते हैं। बेसिकली क्या है कि इसमें हम साइंटिफिक पोस्टर की हम बात करेंगे, साइंटिफिक पोस्टर कैसे बनाते हैं। जो पोस्टर हम लोग कॉन्फ्रेंसेज में या फिर अपने कॉलेज लेवल पे जो हम पोस्टर प्रेजेंटेशन देते हैं, हम उनके लिए हम बात करेंगे। क्योंकि ये तो अगर आप अपने किसी पर्सनल यूज के लिए अगर कोई पोस्टर बनाना चाहते हैं, अगर आप डिजाइन करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, जैसे आप एमएस पावर पॉइंट में भी कर सकते हैं, या तो जो तरीका हम बताएंगे आज आपको उसमें भी किया जा सकता है। तो चलिए फटाफट शुरू किया जाए। सबसे पहले हम यहाँ आके लिखेंगे पब्लिशर, तो आगे हमारा माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर पांच चीजें होती हैं, तो उसमें से एक चीज हमारा माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर भी होता है। पब्लिशर जब खोलेंगे तो देखिए क्या क्या हमारे पास उसमें होते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ब्रोचर, बिजनेस कार्ड, कैलेंडर, ग्रीटिंग कार्ड, लेबल्स, कैटलॉग, बिजनेस फॉर्म्स, तो बहुत सारी चीजें हैं हम इसमें हम बना सकते हैं। इनके सबके टेम्पलेट रहते हैं इसमें। तो हम क्या करेंगे, ब्लैंक लेंगे, क्योंकि हमें सीखना है कैसे करते हैं। हमारे पास एक ब्लैंक रेडी है। अब हमें पोस्टर मान लिया जाए, पोस्टर डिजाइन करना हमें 3 फीट लंबा, 3.5 फीट की चौड़ा, साइज हमें 3x2.5 या 3x2 का बनाना है, 3 फीट लंबा 2 फीट चौड़ा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेज डिजाइन कैसे बनाना, तो पेज डिजाइन तीसरे नंबर पे हम पेज डिजाइन पे जाएंगे। ओरिएंटेशन चाहिए हमें, पोस्टर हमारी पोर्ट्रेट में होगी या लैंडस्केप में होगी। पोर्ट्रेट में होगी तो हम इसे पोर्ट्रेट कर देंगे, लैंडस्केप में होगी तो हम इसे लैंडस्केप कर देंगे। चलिए मैं अभी फिलहाल इसे पोर्ट्रेट कर लेते हैं। दूसरा है हमारा साइड्स की मार्जिन कितनी है रहेगी हमारी, तो मार्जिन जितनी भी रहेगी हम रख सकते हैं। जैसे हमने 0.5 का रखा है चारों तरफ से, 1:1 का भी रख सकते हैं, 0.25 का भी रख सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं, और भी कस्टमाइज अपने तरफ से कर सकते हैं। हम कस्टमाइज के लिए करेंगे तो यहाँ पे हमारी कस्टम मार्जिन आ जाएगी, जैसा हमें चाहिए उस हिसाब से हम इसको हम लेफ्ट राइट जितना करना हो हम करके ओके कर देंगे, तो हमारी मार्जिन रेडी हो जाएगी। तो हमें चाहिए पहले साइज, कुछ साइज इसमें दे रखे हैं जैसे A4 लेटर, B4, B5। हमें चाहिए भाई 3 फीट लंबा और 2.5 फीट चौड़ा, तो यहाँ करेंगे हम पेज सेटअप। पेज सेटअप आ गया हमारा, इसमें हमारी आ रही है लेंथ और ब्रिथ, लेंथ विथ और हाइट। तो जो हमारी चौड़ाई रहेगी वो हमारी रहेगी 2.5 फीट की, तो 1 फीट में होता है हमारा 12 इंच, तो 2.5 फीट में होगा 12 × 2 = 24 और 6 = 30। 2.5 फीट में हो जाएगी हमारी 30 इंच और लंबाई है हमारी 3 फीट, यानी सॉरी ब्रेथ होगी हमारी 30, लंबाई है हमारी 3 फीट की, यानी 36 इंच। 12 × 3 = 36 ये हमारी पोस्टर, इतना बड़ा हमारा पोस्टर हमारा बन के हो गया तैयार। अब इसकी साइज की बात करें तो जितना बड़ा साइज है उतना बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे हमने बिल्कुल जूम आउट कर रखा है। जूम इन करेंगे तो पोस्टर बहुत बड़ा है, बिल्कुल हम इसे जूम आउट करके रखे हैं। तो अब क्या करेंगे, हम इसमें बैकग्राउंड सेट करते हैं। बैकग्राउंड की बात करें तो कुछ बैकग्राउंड इसमें दे रखे हैं, मोर बैकग्राउंड में करते हैं तो और भी बहुत सारे मिल जाते हैं। बैकग्राउंड टेक्सचर है, पैटर्न है, जैसे उस समय बताया था माँ मैंने आपको, तो चलिए हम ये लेते हैं हमारी बैकग्राउंड है थोड़ी, देखिए थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं तो कितना बड़ा है पोस्टर, बहुत बड़ा बनेगा। फिर यहीं पे हम इंसर्ट करेंगे, एक टेक्स्ट बॉक्स लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि इस पर जब हम लिखते हैं तो बहुत छोटे छोटे दिखते हैं। देखिए 10, इसको हम फॉर्मेट अगर हम कर देते हैं 72 के फॉर्मेट, देखिए कितना बड़ा बड़ा लिखेगा, हाउ टू मेक अ पोस्टर इन एमएस पब्लिशर,
देखिए 72 के पर वन हमारा इतना छोटा छोटा आ रहा है, जबकि इसको हम बनाएंगे, इसको चलिए हम मिडिल में करते हैं, जब इसको हम बनाएंगे पोस्टर, इसको जब प्रिंट होगा पोस्टर तब जाके पूरा आएगा। अब इसको देखिए 110 के फॉर्मेट में कर रहे हैं, 110 में तब जाके दिख रहा है इतना, क्योंकि पोस्टर जब 3 फीट में जब पोस्टर प्रिंट होगा तो एक्चुअल प्रिंट हो जाएगी, उस साइज की पोस्टर प्रिंट हो जाएगी, उतनी बड़ी प्रिंट हो जाएगी। सेम उसी तरीके से हमने, जैसे हमने आपको पिछली बार बताया था, थोड़े थोड़े हमने क्या करना है, रेडी करना है, फिर हम लेंगे थोड़ा सा कुछ कंटेंट। चलिए कुछ कंटेंट क्या खोजूं मैं, चलिए एक जर्नल की मैं खोल लेता हूँ, यहीं से कुछ कंटेंट उठा लिया हमने। चलिए हमें इतना कंटेंट मिल गया, हमें बहुत है, लेकिन इसके बाद हम आ गए यहाँ पे, यहाँ पे कर दिया पेस्ट। अब एक कंटेंट देखिए लिखी हुई है 12 के फॉर्मेट में, अगर आप देख पा रहे होंगे तो कंटेंट जो लिखी गई है ये है हमारी 12 के फॉर्मेट में लिखी गई हुई कंटेंट, ये जो इसकी वो है फॉन्ट है 10 या 12 हो गए, 10 के बाद 10 में देखिए एक लाइन से दिख रही है, बिल्कुल देख रहे हैं। अब दिखेगी पोस्टर, क्योंकि अब पोस्टर बहुत बड़ा होगा, अब ओरिजिनल पोस्टर जितना बड़ा हमें चाहिए वो खुल रहा है। देखिए जूम आउट पूरा भी नहीं हुआ है, पूरा जूम आउट अब हुआ है। तो इस तरीके से क्या है कि हमको एक एक करके धीरे धीरे करके इसको हम समय सेट करना होता है। किस तरीके से सिलेक्ट करेंगे, जितने की फॉन्ट रखेंगे, 20 हमारा बहुत बढ़िया है, तो 20 पे हमने क्या किया, रख दिया। अब इसे हमने कर दिया इस तरीके से छोटा, ये हमारी हो गई इंट्रोडक्शन। सेम इसी तरीके से हम कॉपी करेंगे, कॉपी, फिर ऐसे करके हमने एक और पेस्ट कर देनी है, एक हमारा दूसरा पॉइंट हो गया है, दूसरा पॉइंट हो गया, इसी तरीके से हमारा तीसरा पॉइंट हो जाएगा। ऐसे करके नंबर ऑफ पॉइंट्स हम बताने करने हैं, रेफरेंस हम ऐड करेंगे, यहाँ पे हम लोगो वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं, लोगो इंसर्ट करने इंसर्ट पे जाएंगे तो हमारा ये टेबल है, यहाँ से हम कोई भी सिंपल पिक्चर क्या है कि हम इंसर्ट कर सकते हैं, इस तरीके से कोई भी पिक्चर ऐसे करके इंसर्ट इसमें कर सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई है तो हम वो भी पिक्चर लगा सकते हैं, कि हमारा ये टॉपिक है इससे रिलेटेड हमने कोई पिक्चर लगाया है टॉपिक लगा सकते हैं। दूसरा हमें टेबल की नीड है तो हम यहाँ पर टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं, जितनी बड़ी टेबल की उतनी बड़ी हम टेबल लगा सकते हैं। देखिए हमने एक टेबल यहाँ पर इंसर्ट कर दिया है, चलिए दिखेगा ऐसे, थोड़ा हम जब बड़ा करेंगे तब दिखता है। देखिए इसको बनाना थोड़ा सा कठिन होता है, इतना ईजी नहीं है, तो एक टेबल भी हमारा ये बड़ा हो चुका है, तो थोड़ा सा कठिन है बनाना, मेहनत लगता है इसे बनाने में। देखिए दिख रहा होगा, बहुत छोटे छोटे दिख रहे हैं, बट दिख रहे हैं, ये देखिए थोड़ा सा साइज बड़ा करो, हाँ जी ये देखिए दिख रहे हैं, देखिए इस तरीके से हम करके, तो इसे हम क्या करते हैं थोड़ा सा दो लाइन में, एक लाइन तीन चार इधर, तीन चार लाइन इधर करके हम इसको फिर इस तरीके से हम बनाते हैं पोस्टर्स को, समझ गए। ऐसे हमारी पोस्टर बनाई जाती है, पिक्चर ऐड करना बता दिया, टेबल बता दिया, शेप अगर ऐड करना हो मान लिया जाए हमें शेप, तो एक शेप हमें ऐड कर दिया इस तरीके से, जरूरत पड़े अलग अलग शेप हैं उसको हम यूज कर सकते हैं। कुछ स्टाइल्स हैं तो इनको हम करेंगे यहाँ स्टाइल में करेंगे, स्टाइल अलग अलग स्टाइल हैं कर सकते हैं, फॉर्मेट यूज कर सकते हैं इनके लिए अलग अलग, अलग अलग हमारे पास फॉर्मेट है, देखिए अलग अलग हमारे पास सबके लिए फॉर्मेट है, तो हम उसे भी यूज कर सकते हैं इसके लिए, समझ गए। तो इस तरीके से हमारा क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट में हम पोस्टर बनाते हैं, थोड़ा सा टफ होता है, इसलिए टफ होता है क्योंकि ये बहुत छोटा छोटा दिखता है इसमें, तो इसमें थोड़ा बनाना टफ होता है इसको, तो इसको हम बनाते ऐसे हैं, इसको थोड़ा ऐसे जूम करके और इसको स्क्रॉल इधर की तरफ स्क्रॉल करके फिर इस तरीके से एक एक पॉइंट करके बनाना पड़ता है, थोड़ा सा मेहनत लगता है बट बन जाता है इजीली, और उससे ज़्यादा अच्छा मज़ा हमें इसमें करने में आता है, कि सबकी अपनी अपनी, मुझे इसमें पब्लिशर में बहुत मज़ा आता है बनाने में, इसके देन आप क्योंकि हर जगह इसे खोल नहीं सकते फ़ोन में, इसे काम कर सकते हैं, इसको जब इमेज बन जाए तो हमें गूगल पे पब्लिशर से क्या करेंगे हम PDF में इसे कन्वर्ट कर लेंगे, इमेज में इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे जैसे ही आप जब प्रिंट करते हैं तो प्रिंट में भी ऑप्शन आता है आपका, क्यूट PDF में करेंगे तो क्यूट PDF में भी प्रिंट हो जाता है, बट इसमें दिक्कत है कि 16 पेज में प्रिंट होगा, क्योंकि ये क्या करता है कि अलग अलग पेजेस को मिला के एक बनाता है, तो 16 पेज में प्रिंट होगा, ये देखिए 16 पेज को मिला के एक वीडियो बना रहा है, चलिए ये अच्छा है। तो इस तरीके से प्रिंट कर सकते हैं PDF के फॉर्म में, तो यही है आज के वीडियो में,
मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल सब्सक्राइब करके जाइए, तभी नए नए वीडियो आते रहेंगे आपके पास। अब देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए जल्दी जल्दी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।